Welcome to our YouTube channel Miracle Pharma. दोस्तों हमारे व्यूवर्स हैं प्रताप जी, ग्रामीण चिकित्सक हैं, जानकारी चाहते हैं आईबीएस स्टॉप पर, और बोलते हैं कि कुटाज घनवटी के बारे में सर बताइए, क्या ये आईबीएस स्टॉप के लिए अच्छी मेडिसिन है कि नहीं है, जानते हैं इसी वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों सबसे पहले बात करें कुटाज घनवटी की, तो एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है और अलग अलग कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती हैं। जैसे कि मैं नाम बताऊं तो झंडू हुआ और दूध पापेश्वर हुआ, बैद्यनाथ हुआ, डाबर हुआ और पतंजलि हुआ, बहुत सारी और भी ऐसी कंपनी हैं जो इसको मैन्युफैक्चर करती हैं। अब बात कर लें इसके अंदर क्या कंटेंट मौजूद होता है, तो वैसे तो इसमें अगर मुख्य इंग्रेडिएंट की बात करें तो कुटज के छाल होती है, और कुटज की छाल को कूट पीस कर इसमें जो है एक टेबलेट या गोली बना दी जाती है। अगर वटी की बात करें तो वटी जो शब्द है वो गुटिका वटिका, ये एक जो है फॉर्मुलेशन होती हैं आयुर्वेदिक की अलग अलग, गुटिका और वटिका। इसको आप ज़्यादा डीपली ना जाएं, आप समझ लीजिए इसे टैबलेट है। और अगर बात कर लें इसको किस किस बीमारी में यूज की जा सकती है, तो इसका वर्णन बहुत विस्तृत मिलता है आयुर्वेद के हिसाब से भी और मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से भी। अगर मॉडर्न मेडिसिन की बात करें तो जितनी भी लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन की जितनी भी बीमारी है उनमें सब में कंट्रोल कर, सभी को कंट्रोल करता है, और बहुत ही अच्छा एक ये प्लांट कह सकते हैं आप इसे, बहुत अच्छा प्लांट है जिसकी जो है बार्क ज़्यादातर काम में आती है। वैसे इसके बीज भी काम में आते हैं, लेकिन इसमें जो है वो कुटज की छाल ही पीसी कुटी हुई है। अब इसके अगर मेजर यूज की बात करें तो मैं आपको टाइप बता देता हूँ किस किस टाइप के यो काम करती है डायरिया में। वैसे तो डायरिया बोल देते हैं, लेकिन डायरिया, लूज मोशन, पैचिस, इनमें सबकी कैटेगरी होती हैं, एक स्टेज होते हैं, इसको जो है देख के ही भली भांति परिचित होता है एक प्रैक्टिशनर। ऐसे कहना नामुमकिन है कि आप किस मरीज में इसको दे सकते हैं, तो मैं इसको बता दूँ थोड़ी सी आपकी एक नॉर्मल जानकारी के लिए। देखो जितनी भी सफ़ेद या कलर वाली या कलरलेस जितनी भी पैचेस होती हैं उसमें बहुत बढ़िया काम करता है। दूसरा, अगर किसी को भी एनल कैनाल से ब्लीडिंग होती है तो उसमें बहुत बढ़िया काम करता है। लैट्रिन में खून मवाद अगर आता है तो बहुत बढ़िया काम करता है। और रही बात आईबीएस स्टोव की, तो आईबीएस स्टोव का अगर हम फुल फॉर्म जाने तो उसको कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में लेस इफेक्टिव है, इतना इफेक्टिव नहीं है, मैं ये कड़वा सत बता रहा हूँ आपको, पता चल गया। आप जो है किसी वीडियो को देख के और चक्कर में लगे रहेंगे खाली आईबीएस स्टोव एक केवल मेडिसिन कुटज घनवटी से ठीक कर सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम अगर कोई मेरे पास ऐसा पेशेंट आता है जो आईबीएस स्टोव की प्रॉब्लम को लिए हुए है, तो हम पहले उसकी पेशेंट हिस्ट्री चेक करते हैं और उसके बाद जानने की कोशिश करते हैं तो क्या ये दिक्कत उसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, क्या ये कोई ऐसी बीमारी ही है या डायरिया किसी और कारणों से हो रहा है। अगर किसी को डाइजेशन अपसेट हो जाता है या फिर किसी की आम भाषा में कहें तो अगर नले या नाभ अगर अपनी जगह से हट जाती है तब भी ये दिक्कत आती है, तो आप बिल्कुल भी ऐसा उपयोग कोई मत कर लीजिएगा कि आपने जो है केवल डायरिया के मामूली से अम्यूबियासिस किसी को हुई और आपने कुटज घनवटी का प्रयोग किया और रिजल्ट एकदम से नहीं मिले। क्योंकि आजकल मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से, क्योंकि मैं एक मॉडर्न मेडिसिन का प्रैक्टिशनर हूँ, तो मैं ये मानता हूँ जितने भी अगर इनिशियल स्टेज पर डायरिया है तो आप जितना भी उसको आईवी फ्लूड देंगे उतना ही बेहतर है। एक से दो दिन या तीन दिन आईवी फ्लूड देने के बाद जब उसको ठीक किया जा सकता है तो इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है। लेकिन हाँ, अगर लंबे टाइम से किसी को डायरिया ठीक नहीं हो रहे हैं, जैसे कि अब मैं कैटेगरी बताता हूँ कैसे डायरिया, सफ़ेद और लाल दस्तों वाली कहानी तीन दिन में ठीक हो जाते हैं, तीन बार फिर आने लगते हैं, और चार साल ये प्रॉब्लम होती है, या फिर किसी ने अपने डाइट इंटेक की, खाना भोजन किया और उसके बाद तुरंत बाद बाथरूम या लेटरिन होने की उसकी इच्छा होती है और
बहुत पतली लेटरिन उसको जाती है और ये लंबे समय तक चलती रहती हैं, बार बार ठीक हो जाता है बीच में, बार बार फिर से जाने लगते हैं, तो उसमें ये बहुत मुफीद चीज़ है और मैंने इसको बहुत से पेशेंटों पर ट्राई किया है, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके। अब बात करें तीसरे की, तो अगर कोई वजन उठाने से भी ये डायरिया हो जाते हैं, मान लिया अगर कोई बंदा था वो ज़्यादा अगर कोई वजनी काम करता है और वजन उठाता है और उसके जो है नले चल गए हैं, ऐसे मान लो आप काम भाषा में कहते हैं, तो ये पेट की जो हमारा नाभि सिस्टम होता है तो ये जो है इसको जो है मूवमेंट नहीं कर पाती सही से आते हमारी, और ये दिक्कत हो जाती है, तब भी उसमें भी बहुत अच्छे प्रयोग किए जाते हैं। साथ में इसके कुटाज रिस्ट के नाम से अरिस्ट मिलता है इसका, अगर ये कम इफेक्टिव हो तो इसके साथ वो देना होता है। तीसरा बात करें, अगर कोई व्यक्ति है जिसको ऊंचाई से डर लगता है और ऊंचाई से डर लगने के बाद उसको जो है डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, तो बहुत बेहतरीन दवाई है, 6 से 7 दिन के अंदर उसको बिल्कुल ठीक कर देती है। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं। वैसे अगर बात करें तो ओवरऑल IBS स्टॉप में इसका उपयोग किया जाता है, और IBS स्टॉप की प्रॉब्लम मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम रोग को ठीक करने के लिए ही ऐसा मानते हैं आयुर्वेद प्रैक्टिशनर की ये दवाई बनाई गई है, लेकिन मैंने इसको जो मैंने टाइप बताया इतनी तरह की बीमारियों में इसका उपयोग किया है। ओवरऑल बात करें तो पूरे जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पे उस पर वर्क करता है। अगर किसी को बार बार भूख नहीं लगती है, पेट जाम रहता है, उसका बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करता है उसका बाउल, तो उसी के लिए ये मेडिसिन बनी हुई है। छोटी छोटी आँत बड़ी आँत दोनों को ये जो है ठीक करता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है, अपेंडिक्स तक की शिकायत इससे ठीक हो जाती है, लेकिन इसका लंबे टाइम उपयोग करना होता है। लगभग इसको रेगुलर 2 से 3 महीने देना होता है और इसकी डोज भी ठीक ठाक है, क्योंकि एक आध गोली से इसमें काम नहीं चलता। अगर अब बात कर लेते हैं कितनी डोज कितने वजन के पेशेंट को देनी होती है, लगभग 45 से अगर 50 किलो का कोई व्यक्ति है, ये इसे अभव व्यक्ति है और 60 साल से कम है उसकी एज, तो उसको आप 4 टैबलेट गुनगुने पानी से सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। दोपहर में भी ना दे सके तो सुबह शाम उसको हल्के गुनगुने पानी से देना होता है। ये जो है देने का तरीका जो है चेंज हो सकता है, अगर किसी ज़्यादा गर्मी की शिकायत है तो उसमें और कुछ जो है ठंडी दवाइयाँ चलती हैं, और पेशेंट को लिक्विड डाइट पर रहना होता है। ऐसा नहीं कि उसको डायरिया हो रहा है तो हम उसे सख्त चीज़ें देंगे, क्योंकि अगर उसको हम सख्त चीज़ें देंगे, उसका डायरिया कंट्रोल नहीं हुआ तो उसका आईवी फ्लूड ज़्यादा लॉस हो जाएगा, और हम लिक्विड ना ओरल दे रहे हैं ना आईवी फ्लूड दे रहे हैं तो उसको प्रॉब्लम बढ़ सकती है पेशेंट को। तो जब भी इसको दें, तो मैंने जो आपको तीन कंडीशन बताई हैं, तीनों कंडीशन में आप इसको दे सकते हैं। इनिशियल स्टेज पर अगर डायरिया किसी को हुआ है, या कोई पॉइजन खा के किसी को डायरिया हुआ है, या फिर किसी की एलर्जिक रिएक्शन से डायरिया हुआ है, तब ये मेडिसिन आप काम करने वाली ना है, गुमराह ना हुए और किसी के वैद्य हकीम के ऐसे चक्कर में ना पड़े कि आप हर तरह के डायरिया को इसे ट्रीट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया लंबे टाइम से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को ये ठीक करता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। सफ़ेद पानी वाले दस्त या दस्तों के साथ खून आना या खाली खून आना एनल कनाल से, मतलब लेटिन के रास्ते से, और मवाद आना, पेचिस आना, उनमें इसको दिया जाता है। मैं दोबारा से प्रिस्क्रिप्शन डोज दे रहा हूँ, जो मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ वो 4 टैबलेट सुबह शाम दी जाती हैं इसको, बहुत छोटी सी गोली होती हैं, और इस तरह का ये लगभग जार आता है इसका। बैद्यनाथ कंपनी का मेरे पास ये रखा हुआ है, वैसे अलग अलग कंपनी का, आप डाबर का भी ले सकते हैं, आप झंडू का भी ले सकते हैं, दूध पापेश्वर का भी ले सकते हैं, और डाबर का भी ले सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जिसका कुटाज घन वटी सब में ले, लगभग सबके रिजल्ट सेम लगभग एक से होते हैं, लेकिन वो कंपनी वेरी करता है कि कौन सी कंपनी ज़्यादा ब्रांडेड है और जिसको चलन में कौन सी चलन में ज़्यादा है, और अलग अलग प्रैक्टिशनर के हिसाब से भी अलग अलग रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो ये थी जानकारी कुटाज घन वटी पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक चैनल को विजिट करते रहें। Subscribe our channel for latest medical information and press the bell icon for more video notification.